शिवपाल यादव एटा दौरे पर हैं और उनका वहां से मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब उन्हें समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है। शिवपाल ने एटा में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश और देश में इस वक्त अच्छे हालात नहीं है। वहीं शिवपाल ने कहा कि उन्हें अब एसपी की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें अब समाजवादी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है और वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसके साथ ही शिवपाल ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश के सभी इलाकों में नगर निकाय का चुनाव लड़ेगी। जब उनसे मदरसों के सर्वे को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अगर किसी एक धर्म को टारगेट करके उसके शैक्षिक संस्थानों की जांच होगी तो उसमें लोगों में असंतोष पनपेगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, हमारा प्रगति समाजवादी, अब हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हूँ। प्रगति समाजवादी पार्टी की बात करूँ, हम सबको इकट्ठा करेंगे, किसान, नौजवान, मुसलमान, जितने पीड़ित शोषित सबको इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठा करके जब समय आएगा, अभी तो डेढ़ साल के बाद फिर मंत्री जी इकट्ठा करने की कड़ी में आप क्या सपा को इकट्ठा कर पाएंगे? सपा को जरूरत क्या, मैंने तो जब बोल दिया है कि सपा के साथ मुझे रहना ही नहीं है तो इकट्ठा क्या करना। मंत्री, मुसलमानों की बात करते हैं आप, मदरसों पे जांच चल रही है सरकार द्वारा, क्या मानते हैं आप, ये सही है गलत? देखिए, अगर जांच हो तो फिर सभी स्कूलों की हो, सभी की हो। अगर एक वर्ग पर जानबूझ करके, ये अच्छी बात नहीं। हेलो नीतीश जी, गठबंधन तोड़ के चले गए आरएलडी के साथ में, इस पर आपका क्या रहे? अब नीतीश चले गए तो उनकी बात हम कहा बताओ। मंत्री जी, यूपी में जो बाबा, कहीं ना कहीं आपके परिवार से भी इंटरनेट है सर। मंत्री जी, बाबा का बुलडोजर जो यूपी में चल रहा है, इस मामले में आप क्या कहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई जो है, इस पर आपका क्या रहे? देखिये, उन्हीं पर कार्रवाई होना चाहिए जो अवैध, अवैध लोग हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब एक व्यक्ति परिवार में एक गड़बड़ियां करता है तो उसके रिश्तेदारों को भी, परिवार के लोगों को भी, उसी को सजा मिलना चाहिए। सजा उसी को मिलना चाहिए जो गड़बड़ियां करा है, जो दोषी है। मंत्री जी, नगर निकाय का चुनाव नजदीक है और जब प्रत्याशी चुनाव हारते हैं तो उनका एक सवाल रहता है कि ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इसे क्या कैसे देखते हैं? देखिए, जनता जब जनता जिताती हराती है, मशीनें नहीं हरा पाती।